इस वक्त हम सीधे रुख करेंगे लोकसभा का। मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कुछ कह रहे हैं सुनते हैं। आप पर दबाव डालने की भी कोशिश की लेकिन आप उनके दबाव में नहीं आएंगे ऐसा मेरा हमेशा विश्वास था। दबाव नहीं होता है, प्लीज दबाव नहीं होता है। स्पीकर के ऊपर कोई दबाव नहीं डाल सकते और कागज फेंकने के बाद भी कुछ होगा नहीं। दबाव नहीं। अरे मैं तो ये कह रहा हूँ वो जी प्लीज प्लीज तो मेरा एक मिनट आप सभी से रिक्वेस्ट है अगर वास्तव में चर्चा चाहते हैं तो जरा थोड़े समझ के शब्दों का। स्पीकर पे दबाव नहीं होता कि आप उनके दबाव में नहीं आते हैं मुझे विश्वास है ये कहा। समझ में नहीं आता तो मैं क्या और अरे क्यों बैठे बैठो बैठे बैठे आप बैठिए मैडम। और मैं ये भी कहना चाहता हूं क्योंकि दूसरी बात कहने से पहले आपके और आपके तरफ से इस सदन को खास करके सरकार को ये बताना चाहता हूं क्योंकि वो हमेशा बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं और बड़े चाणक्य नीति भी अपनाने की कोशिश करते हैं लेकिन चाणक्य चाणक्य ने यह कहा आंख के अंधे को दुनिया नहीं दिखती। आंख के अंधे को दुनिया नहीं दिखती। काम के अंधे को विवेक नहीं दिखता। मद के अंधे को अपने से श्रेष्ठ नहीं दिखता और स्वार्थी को कभी भी दोष नहीं दिखता। और ये जो स्वार्थी है और ये जो मत से भरे हुए हैं उनको दूसरा कुछ नहीं दिखता। वो जो कर रहे वही सही है और वो जो बता रहे वही सही है। इसी पे वो आज निर्भर रह के उन्होंने ये शुरू किया और हमेशा इस बात को कहने की कोशिश की कि हम जो कह रहे हैं वो ठीक है और आप जो कहते हैं वो गलत है ये हमेशा कहने की उन्होंने कोशिश की। और इस जो डिस्कशन हम चाहते थे मैडम हाउस को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे हम ये चाहते थे। प्लीज प्लीज आप आज दिन चिल्लाए ना प्लीज देखिए अगर चुप रहो ना प्लीज बैठिए। नो नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। अगर सरकार इतनी चिंतित थी तो हम जब एडजर्नमेंट मोशन हमेशा ला रहे थे दो तीन चार हफ्ते से वो स्वीकार कर सकती थी और आपसे विनंती कर सकती थी। आज नहीं आप भी बोलो मैं बैठ जाता आप बोलो भाई मैं ये बार बार अच्छा नहीं है ना। सुनो चर्चा हो रही है आपके मंत्री सक्षम है जवाब देंगे ना प्लीज 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 यस यस कट गए प्लीज। और आप अगर चार हफ्ते से पहले इसी एडजर्नमेंट मोशन को स्वीकार करते तो ये प्रश्न ही नहीं उठता। गलती मेरी है लेकिन इसको आज जो स्वीकार किया इसीलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ क्योंकि आपने हमारे एडजर्नमेंट मोशन को स्वीकार किया। और हम इसमें क्यों लाना चाहते थे क्योंकि बाहर के लोग भी हमको पूछते हैं कि आप ये नहीं ये अगर ऐसी बात करना है तो मैं करना छोड़ दो आप ही बात करो ठीक नहीं। अगर आप करना है आप ही कीजिए मैं बैठ जाता हूँ आपका खत्म होने के बाद मैं बात करूँगा।
अब करिए। नो नो ऐसा आई हैव सेड नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड ओनली योर वचन। नहीं नहीं जरा उनको भी टोकिए, बोल दिया नहीं उधर उधर जरा ज्यादा टोक दिए तो जरा ठीक हो जाएंगे। मेरे टोकने से कहां कोई रुक रहा है। अब प्लीज अगर इस समस्या को सुलझाने का उनका काम था और ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सदन को ठीक ढंग से चलाने के लिए कोऑपरेट करना, और आज जो उठ उठ के फॉरेन मिनिस्टर भी बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर भी बोल रहे हैं चर्चा के लिए हम तैयार अभी लो अभी, और आपने 2 बजे का कुछ प्रस्ताव रखे तो वो कहे कि अभी लो, यानी ये जो आतुरता है आप जो एंग्जिटी आज बता रहे हैं, अगर ये 15-20 दिन पहले अगर ये एंग्जिटी बताते तो इस समस्या इतना समय बर्बाद नहीं होता था। इसको इसको अगर कोई जिम्मेदार है तो सरकार जिम्मेदार है, अगर इसको कोई जिम्मेदार है तो प्राइम मिनिस्टर जिम्मेदार है, इसको अगर कोई जिम्मेदार है तो उधर के लोग जिम्मेदार है, हम कोई जिम्मेदार नहीं। तो इसीलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि इस चर्चा के वक्त प्राइम मिनिस्टर यहां पर रहना जरूरी है। मैं क्यों इसलिए नहीं आप सुनिए मेरे को क्यों रहना जरूरी है, तो हमने आपने तो हमारे जो मोशन को एडमिट किया और जो फॉरेन मिनिस्टर ने एक फिगरेटिव को भगोड़े को जो सपोर्ट किया और जो सपोर्ट किया उसके बारे में जब हम बताते हैं तो हम किनको बताएं? इस सदन के जो नेता है प्राइम मिनिस्टर उनको ही हम बता सकते हैं और वही एक्शन ले सकते हैं अगर कोई गलती हो तो, और उनका संपूर्ण अधिकार है मिनिस्ट्री बनाना और मिनिस्टर में किसको रखना किसको निकालना किसका क्या दोष है ये सारा चीज देखने का प्राइम मिनिस्टर को अधिकार है। अगर बार बार उठ के जिनके विषय में हम प्रस्ताव करना चाहते हैं जो हमारे एलिगेशंस हैं अगर उन्होंने ही उत्तर बार बार देते रहेंगे, एक बार तो उन्होंने स्पष्ट रूप से यहां पर कहा है अपनी बात रखी है सदन के सामने और बाहर भी बताया है, तो आज हम ये चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर खुद आकर ये सुने हमारी बात को, उसी वक्त हमको संतोष होगा कि वो एक्शन लेने वाले हैं या नहीं। अगर वो सुनना भी नहीं चाहते और यहाँ क्या चल रहा है उसके बारे में बात भी नहीं करना चाहते, वो अंदर भी बात नहीं करना चाहते बाहर भी बात नहीं करना चाहते, तो जो भी बात करना चाहते हैं या तो रेडियो में या तो टीवी पे या एडवर्टाइजमेंट पे, तो ये ठीक नहीं है क्योंकि इस सदन में ऐसी गंभीर विषय जब आ रहा है और चंद आरोप जो हम कर रहे हैं तो उसका वही जवाब दे सकते हैं दूसरे कोई भी नहीं, तो इसीलिए मैं आपसे विनंती करता हूं उनको भी बुला लीजिए और बुलाकर इस विषय पे उनकी क्या राय है और उनका उत्तर भी हम चाहेंगे और वो खुद प्रेजेंट भी यहाँ रहना चाहिए, ये मेरा एक विनंती है। इसके लिए मैं आपसे कोशिश कर रहा हूँ कि आपका यानी आप उनके ऊपर प्रभाव डाल के उनको किसी ढंग से यहाँ पर बुला लेंगे, क्योंकि अगर मैं चर्चा भी करूँ अगर वो नहीं सुनेंगे तो उसका फायदा कोई नहीं, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि वो खुद आए। और दूसरी चीज, अब दूसरी जो चीज है जो यहाँ पर जो उत्तर देने वाले हैं, खैर उनका तो एक बार हो गया फिर एक बार वो दे देंगे, लेकिन मैं आपसे विनती करना चाहता हूं कि बार बार उन्हीं की तरफ से उत्तर हम नहीं लेना चाहते, तो हम जो उत्तर लेना चाहेंगे वो प्राइम मिनिस्टर के ओर से ही उत्तर लेना चाहेंगे, प्रधानमंत्री से ही उत्तर लेना चाहेंगे और उत्तर वो प्रधानमंत्री सदन में है।
शिकायत न हो जाऊँ, डिसीजन तो मुझे लेना है ना। आप बोल मैं आपके की तरफ से प्लीज प्रधान प्रधान उसको प्रधानमंत्री ही उत्तर देना चाहिए। एक दूसरी चीज इसको रूल 56 में इसलिए हम लाए कि इस विषय का गंभीरता देख के ही हम रूल 56 में लाए और इस सदन में रूल 184 का भी प्रस्ताव था हमारे प्रेमचंद्रन का, आपने फिर इसको 193 में क्योंकि इस सदन के चीफ व्हिप वो 193 लाए थे तो इसको डाइल्यूट करने के लिए उसको 193 में लाकर चर्चा करके उसको खत्म करना चाहते थे। तो इसीलिए हम इसको जो एडजमेंट मोशन के तहत रूल 56 के तहत ही इंसिस्ट किया तो इस वजह से हम बार बार इसको इंसिस्ट करते रहे ताकि आप ये ना समझे और बाहर सदन के बाहर के लोगों को भी ये मालूम हो कि रूल 56 और 193 और रूल 184 में क्या फर्क है। तो वो उसके लिए इस 56 का हमने आपके सामने प्रस्ताव रखा। और दूसरी चीज आज अब मैं आपके ये अच्छा नहीं है, आपके लोग जवाब देंगे ना, क्या हो रहा है ये, प्लीज नो नहीं बैठे बैठे किसी को कोई बात नहीं, आप प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए ना, दिस विल नॉट डू, प्लीज दिस विल नॉट डू, प्लीज प्लीज आप बैठिए गौरव जी, आप बैठिए, यस अध्यक्ष महोदय जी, ये जो मुझे बोलने का आपने मौका दिया इस पर मैं ये कहना चाहता हूं कि जो फॉरेन मिनिस्टर जो बार बार ये कहते रहे कि उनकी कोई गलती नहीं है, उन्होंने किसी को चिट्ठी नहीं दिया, उन्हीं ने किसी को पत्र नहीं दिया, उन्हों कोई करस्पॉन्डेंस नहीं है जो यहाँ पर से एक इकोनॉमिक ऑफेंडर यहाँ से चले गया वो वहाँ पर बसा हुआ है, ये सब उनको मालूम रहते हुए भी उनकी मदद करने की पूरी पूरी उन्होंने कोशिश की और यहाँ तक कि उनको ये भी मालूम था कि फाइनेंस डिपार्टमेंट उनके ऊपर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का नोटिस था और ब्लू कॉर्नर नोटिस था, अब फिर कल रेड कॉर्नर नोटिस भी उनको इश्यू करने का तय फाइनेंस डिपार्टमेंट ने किया है ऐसा मैं पेपर में पढ़ा। तो ये सारी चीजें उनको मालूम रहते हुए भी क्यों उन्होंने उसकी मदद करने की कोशिश की, ये पहला प्रश्न है। ये दूसरा प्रश्न क्या है, भारत सरकार बार बार कहने पर भी ललित मोदी फाइनेंस यानी इनकम टैक्स डायरेक्टरेट के सामने हाजिर नहीं हुए, वो हाजिर नहीं होने की वजह से उनका पासपोर्ट भी कैंसल हुआ। जब पासपोर्ट कैंसल हुआ तो हाईकोर्ट में वो पड़ा हुआ था, हाईकोर्ट उस पासपोर्ट दिलाने के लिए उनके फेवर में एक जजमेंट दिया, लेकिन ये फॉरेन अफेयर मिनिस्टर का कर्तव्य था कि अगर किसी का पासपोर्ट अगर कैंसल हुआ और
वो एक इकोनॉमिक ऑफेंडर है, वो विदेश में रहता है, उसके ऊपर ब्लू कॉर्नर नोटिस है, तो क्यों आप अपील में नहीं गए? मैं पूछना चाहता हूं, आप अपील में क्यों नहीं गए? क्योंकि अगर मैं ये कहूंगा तो नाराज हो जाएंगे, लेकिन कोई हरकत नहीं है, क्योंकि उसमें उनके घर के लोग वकील थे और वो ग्रुप में उसको मोदी को प्रोटेक्ट करने के लिए, ललित मोदी को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने वो केस लिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए सरकार क्यों तैयार नहीं थी, क्यों कोशिश नहीं की, ये मैं पूछना चाहता हूं। आप बहुत से चीजें कह सकते हैं, आप अपील क्यों नहीं किए? इतना सब मालूम होते हुए भी आप इसके पहले के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे चिदंबरम जी, उन्होंने दो बार 213 में इंग्लैंड के चांसलर ऑफ एक्सचेकर उनको उन्होंने लिखा कि मोदी, ललित मोदी के खिलाफ एक्शन लेना है, इसीलिए आप उनके ऊपर एक्शन लीजिए, क्योंकि वो यहां से इकोनॉमिक ऑफेंस में इन्वॉल्व है, इसीलिए उनके ऊपर एक्शन लेना। ये दो बार उन्होंने खत लिखा, उन्होंने दो बार खत लिखा, लेकिन दो बार खत लिखा, अगर आप में हिम्मत है तो वो लेटर्स करेस्पोंडेंस क्या है वो जाहिर करो, वो नहीं बोल रहे। जो चिदंबर जी ने लेटर लिखा और आरटीआई में पूछे गए 7 जो प्रश्न मेरे पार्टी के ओर से थे, उन प्रश्नों का राइट टू इंफॉर्मेशन में वो नहीं आया उत्तर, कोई उत्तर भी नहीं मिला उसका। और ये चीज मालूम होते हुए भी, ये चीज तो मालूम थी, इसके बावजूद भी फाइनेंस मिनिस्टर साहब भी कोशिश नहीं किए कि भाई पिछले यूपीए गवर्नमेंट में जब चिदंबरम साहब ने दो बार बात की थी तो उसका क्या था सारांश और क्या क्या वजह थे, क्या कारण थे, किस लिए ऐसा हुआ, ये भी उन्होंने उसके अंदर जाकर उसको इंक्वायरी करने की कोशिश भी नहीं की। तो उसके बजाय उन्होंने ये कहा कि वो कोई बड़ी बात नहीं है, और उस बाद में उन्होंने ये भी एडमिट किया कि जो कुछ भी वहां चल रहा है ये ठीक नहीं है, उनके ऊपर 16 केसेस है उन्होंने बताया। जब 16 केसेस है, आपको मालूम है यहां से इकोनॉमिक ऑफेंस में वो इन्वॉल्व है, ये भी मालूम है, और वो कहां रह रहा है ये भी आपको मालूम है। मालूम रहते हुए भी फॉरेन मिनिस्टर किस बेसिस पे उसको मदद करने की कोशिश किए, हम ये जानना चाहते हैं। एक और वो कहते हैं ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे, ह्यूमैनिटेरियन लॉ एंड ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स ये अलग होते हैं। तो जेटली साहब तो बहुत बड़े वकील हैं, माने हुए वकील हैं, अच्छी फीस भी लेते हैं, और तो नहीं, जब ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे अगर उनको मदद करना है तो कानून के तहत आप मदद कर सकते थे। आप ये इमोशन में आके इस हाउस को इतना इमोशनली कर दिया कि सारा बोझ आपके ऊपर है, और जितना भी ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज है वो पूरे आप ही के पास है, हम सब निर्दय है, ऐसी एक भावना आपने यहां पर की। अरे आपको किसी को मदद करना भी है, इस देश का कानून है, यहां पर उसको उनको कहना था आप इधर भारत में आइए, आपकी वाइफ अगर कैंसर से वहां पर पुर्तगाल में हॉस्पिटल में अगर है
तो उसको कानून के तहत हम मदद कर सकेंगे, आप कह सकते थे। लेकिन बिना किनको पूछे, किसी को भी आप नहीं पूछे, फाइनेंस डिपार्टमेंट को नहीं पूछे, आप अपने डायरेक्टर को नहीं पूछे और आप अपने एम्बेसडर को नहीं पूछे और फॉरेन मिनिस्ट्री में किसी ऑफिस को यह पता नहीं है कि आप डायरेक्टली उसकी मदद करने के लिए आप बात करते हैं और फॉरेन सेक्रेटरी को भी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो मैं समझता, और आप कहते हैं कि मानवता दृष्टि से, और आपने कहा मेरी चिट्ठी भी नहीं है वहाँ, मेरा पत्र भी नहीं है, अगर बताओ अगर है तो। जो आप ओरली बात करते हैं उसको क्या सबूत रहता है? अगर आप ओरली जो चीज आपके और ब्रिटेन के एमपीज के बीच क्या हो गई, आप और वहां के फॉरेन जो अफेयर्स डिपार्टमेंट है उनके बीच क्या हो गई, ओरली जो बातचीत हो गई वो आपको और उनके बीच में हो गई, हमको तो मालूम नहीं है। उसी लिए वो रिकॉर्ड में कैसा आएगा, चिट्ठी कहाँ है रखे गए, वो चिट्ठी भी नहीं है, कोई कुछ भी फाइल भी नहीं है, सिर्फ आपकी जबानी एक इंस्ट्रक्शन से वो ये सब काम हो गया, क्योंकि रिकॉर्ड में कुछ नहीं मिला। क्या होगा, ये ऐसा हुआ कि गलती करने के बाद उसका कहीं सबूत न मिले। एक उदाहरण बोले तो ओरली मैंने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे बात की, यह आपने एडमिट की, जब आप ये एडमिट करते हैं, और जेटली साहब भी ये जानते हैं कानून अलग चीज है और किसी को ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे मदद करना वो अलग चीज है, जब आप कानून के तहत आप उसको मदद नहीं कर सकते और आज गलती करके मैं ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे उनको मदद की हो, ये कहना ये कानून के खिलाफ है। इसी में ये मालूम होता है आपके और उनके संबंध बहुत बड़े गहरे थे और 20 साल से उनके साथ आपका संबंध है, और ये सिर्फ उस हो सकता है इकोनॉमिकली आपके रिश्ते हो सकते हैं, आपके रिश्ते जैसा कि फेवर लेने के लिए आपने जो कुछ किया वो शायद उनको फेवर करने के लिए आपने किया, ये तो हमारा एलिगेशन है। तो आप इस हाउस में पहले ही बोल दिए, और यहाँ तक आपने कहा कि यह सदन चलेगा या नहीं चलेगा, मैं तो पूरी बात रखने के लिए आई हूँ ताकि बाहर लोग मुझे पूछ रहे हैं कि इतना सब हो रहा है आप अपनी सफाई क्यों नहीं दे रहे, तो वो सफाई यहाँ पर दे दी। उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं की, कोई चिट्ठी नहीं लिखी, कोई गलती नहीं की, सिर्फ मानवता के दृष्टि से उनको मदद करने की कोशिश की उन्होंने कहा, उपकार किया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, जो ये डॉक्यूमेंट ऐसा व्यक्ति की माननीय विदेश मंत्री जी ने सहायता इंग्लैंड सरकार से इनको विदेश जाने के लिए ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स दिला करी, और ये भी कहा कि मोदी ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स देने से भारत और इंग्लैंड के रिश्तों में कोई कमी नहीं आएगी, इसके लिए इन्होंने ब्रिटिश एनवॉय से स्पेशल बात की, और इन्होंने सहायता करने से पहले अपनी ही मंत्रालय के विदेश सचिव, वित्त मंत्रालय, ईडी और डीआरआई से भी कंसल्ट नहीं किया, ये हमारा एलिगेशन है। और आप इसको मान लिए, आप तो मान लिए, आप खुद ही एडमिट कर रही है मैंने ये किया है, तो ये जो किया है ये गलती है, इसीलिए तो हम राजीनामा पूछ रहे हैं, इसीलिए हम रिजिग्नेशन पूछ रहे हैं, हम कुछ हवा में नहीं पूछ रहे हैं। ये चीज आपने जो गलती की, इस गलती का आपको महसूस हुआ होगा तो आप अपने मॉरल ग्राउंड पर रिजिग्नेशन दीजिए। और दूसरी चीज, ये कभी कभी इमोशन में आकर कुछ कहना और बात है, लेकिन सत्यता तो यह है, पानी आपके पास भी है, पानी का ग्लास उस तरफ भी है। और आपने ये भी कहा, उन्होंने ये भी कहा कि वहां की सरकार ललित मोदी को ट्रैवल कागजात देना चाहती थी, हमने तो केवल यही कहा
उन्होंने 14 जून को भी अपने ट्वीट में यह कहा है कि हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी, इससे दोनों देशों के संबंध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यूपीए गवर्नमेंट, चिदंबरम साहब ये वार्न किए थे, अगर आपको ये ट्रैवल डॉक्यूमेंट देंगे तो हमारे संबंध में कुछ बाधा आएगी। ये भी रिकॉर्ड आपके पास है। जब ये रिकॉर्ड आपके पास है तो आप ये कैसा कह सकते हैं कि अगर ट्रैवल डॉक्यूमेंट दिए तो बाधा नहीं आएगी? यानी ये देश के हित में है क्या? आप उसको डिफेंड करना चाहते थे क्या? आप उसको सपोर्ट करना चाहते थे? मैं पूछना चाहता हूं, अगर आप हमेशा एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के आड़ में किसी व्यक्ति को जो यहां से टैक्स का चोरी किया है, आईपीएल में घोटाला किया है, करोड़ों रुपए का 460 करोड़ का घोटाला करके जो भाग के गया है, उसको आप सपोर्ट कर रहे हैं? अरे देखिए, उसके बाद में वास्तविकता यह है। मैं वास्तविकता क्या है, वास्तविकता क्या है, वहां की सरकार ने उनके ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स की याचना को खारिज कर दिया था, उन्होंने मना कर दिया था ललित मोदी को यूके के ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स देने से, और वहां के जो भी संबंधित अधिकारी हैं, उन्होंने 3 जुलाई 2014 को यह सूचना अधिकृत रूप से लिखित में ललित मोदी और उनके वकीलों को दी थी। तो ये सब चीजें हो गई थी, फिर होने के बाद आप ये क्यों किया? उसके बाद ये महत्वपूर्ण है कि दोबारा इसका प्रयास आपसे शुरू हुआ। वहां के होम कमेटी के जो चेयरमैन श्री केत वाज है, ललित मोदी जी ने सुषमा जी से बात की, उसके बाद केत वाज को कहा कि भारत की विदेश मंत्री ये कहने को तैयार है कि सरकार को कोई आपत्ति नहीं है और उनको कागजात दे दिए जाए, और कोई आपत्ति नहीं है और उनको कागजात दे दी जाए। ये वाज ने पत्र के द्वारा सारी जानकारी वहां के जो सबसे बड़े अधिकारी है उनको दिया। उस ऑफिस की पासपोर्ट देना, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स देना जिनके अधिकार क्षेत्र में आता है उनको दी। अब ये कहना कोई कागज नहीं है, कोई ईमेल नहीं है, लिखकर भी नहीं बताया, तो उसको क्या मायना, उसको उसका क्या अर्थ है, मैं पूछना चाहता हूं। और वाज ने यह भी लिखा है, दिखा बोला है, लिख कर दिया है कि सुषमा जी ने स्वयं ये कहा कि मैंने वहां के हाई कमिश्नर से बात की है। यानी ये तो वहां के डॉक्यूमेंट्स के लिए उन्होंने जो रिजेक्ट किया था, फिर उसके बाद में जो आपके प्रयास से फिर उसको पुनर्जीवन मिला। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपने भी खुद ये कहा है मैंने वहां के हाई कमिश्नर से बात की है, यूके के हाई कमिश्नर को भारत के विदेश मंत्री का ये कहना भी, आज उनको ट्रैवल कागजात दे दे और हमारे संबंधों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो क्या यह सिफारिश नहीं है तो क्या है? अगर यह सिफारिश नहीं तो सिफारिश क्या हो सकती है? आप ये जब कहते हैं कि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो इसीलिए ये आपके कहने के ऊपर ही मिला। आप मोड़ तोड़ के बोल सकते हैं क्योंकि आप बहुत ही बातों में एक्सपर्ट्स हैं, व्याकरण बहुत बातें बोलते हैं, भाषण अच्छा करते हैं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप ओरली भी कहते हैं
क्या यह रिकमेंडेशन नहीं है? क्या रिकमेंडेशन सिर्फ राइटिंग में होता है? क्या रिकमेंडेशन सिर्फ अगर रिकॉर्ड में है, फाइल में है तो ये? आप खुद ही मान लिए कि मैं ओरली कहा उनको, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे कहा, जब आपने कहा। और ये महाशय जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे आप उनको पासपोर्ट दिए या वीसा के लिए आपने रिकमेंड किया, वो कहाँ गए? वो तीन कारण बताए थे। पहला कारण उन्होंने बताया था कि किसी की हमारे रिलेटिव की शादी है, इसके लिए जाना है दीजिए। दूसरा कारण उन्होंने बताया था कि वहां के प्राइम मिनिस्टर या किनसे मिलना है, उसके लिए हाँ उसको देना, हाँ उनको उनको मिलना है जिन। तीसरा कारण ये था, तीसरा कारण ये तीसरा नंबर पे था जिसको आप ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे बता रहे हैं, ये उनके लिस्ट में तीसरा नंबर पे था कि मेरे को पुर्तगाल जाना है, वहां पर मेरी पत्नी बहुत बीमार है और उसलिए मेरा प्रेजेंस वहां रहना जरूरी है। हालांकि पुर्तगाल के रूल्स के मुताबिक वहां पर ऑपरेशन करते वक्त इनकी जरूरत की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन कभी भी कोई पति ये जाना चाहता है। लेकिन पति की प्रायोरिटी क्या थी? एक तो पहला नंबर वन पे ये तो इनको मिलने का था, सॉरी शादी में जाना था। दूसरा था कि उनका प्रायोरिटी द प्रेसिडेंट से मिलने का, और तीसरा प्रायोरिटी वाइफ को मिलने का। और एक लेटर उन्होंने लिखा, ट्वीट किया, उसमें जब अप्लाई किया तो उस लेटर में, दूसरे लेटर में उन्होंने क्या किया, पहला प्रायोरिटी फिर भी शादी दिया, सेकंड प्रायोरिटी वाइफ का दिया, थर्ड प्रायोरिटी प्राइम मिनिस्टर। कहीं भी अपने पत्नी के बारे में पहला प्रायोरिटी अपने लेटर में दिया ही नहीं। तो अरे वो खुद ही अपना खुद ही इसीलिए मैडम स्पष्ट मैं यहाँ पर रिकॉर्ड में लाना चाहता हूँ। इस संबंध में एक और प्रश्न और उठता है कि मान भी लीजिए कि वो सही कह रहे हैं, तत्व में जानने की जरूरत है, इलाज की जरूरत है, पत्नी भारत की नागरिक है, ये स्वयं भारत के नागरिक हैं, पासपोर्ट रद्द होने से भारत की नागरिकता तो नहीं चल जाती, यह नहीं खत्म होती, तो वहां उनकी याचना पर भारत के ट्राइवल कागजात देते, ये उनका अधिकार है, भारत सरकार का अधिकार है, वहां इलाज के लिए जाना है तो उसके बाद लौट कर आ जाइए भारत में, ये आप कह सकते थे, क्योंकि उनकी यहाँ जरूरत थी। जब आपसे इतने संबंध गहरे हैं तो उनको ये कह सकते थे, भाई आपके ऊपर ब्लू कॉर्नर नोटिस है, अब जेटली साहब ने रेड कॉर्नर नोटिस भी इश्यू किया है, इसीलिए आप जल्दी वापिस आओ, या आप कह सकते थे, लेकिन आपने नहीं कहा, आपने ये नहीं बताया, तो यह सब छोड़ दिए। इमोशन में आकर आपने यही बार बार कहते रहे, मैं कुछ नहीं की, मैं कोई गलती नहीं की, कोई मेरा संबंध नहीं, ये बता, फिर ये कौन सा संबंध है? तो इसीलिए मैं आपसे, और ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स मिलने के बाद, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स मिलने के बाद, जरा बैठिए मार्शल साहब, जरा मेरे तरफ ध्यान खींचने, तो नहीं तो ट्रैवल डॉक्यूमेंट मिलने के बाद वो कहाँ गए? पुर्तगाल गए, फिर उसके बाद वियना गए, फिर उसके बाद जहाँ रिसोर्ट, जहाँ कहीं अच्छे रिसोर्ट है उन रिसोर्टों में जाके आराम करते रहे और इनको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे मदद करते हो। जो लोग रिसोर्ट में जाके रहते हैं, जो वियना में जाते हैं, यूरोपियन कंट्रीज का टूर करते हैं, उनको आपको वीजा देने के लिए रिकमेंड करते हो? आप ये कह सकते थे 8 दिन के लिए अगर जाना है
तो आप पुर्तगाल जाके वापिस आ सकते हैं, इंडियन गवर्नमेंट कह सकते थे, यहाँ से बुला के भेज सकते थे, लेकिन आपने वो नहीं किया। आपने उनको रेकमेंड करके उनको जाने के लिए पूरा अपना जितना घूमने के लिए जितना मदद करना चाहिए था उतना पूरा मदद आपने किया। और मैं और एक प्रश्न जो एक सात प्रश्न हमने पहले पूछा था, तो मैं आपके उस सातों प्रश्नों का जवाब मैं प्राइम मिनिस्टर से चाहता हूँ, क्योंकि ये जरूरी है कि वो सात प्रश्न को आप उत्तर दें। ये पहला प्रश्न है, अनेक बार मांग करने के बावजूद सरकार द्वारा भारत के तत्कालीन वित्त मंत्री और यूके के चांसलर ऑफ एक्सचेकर के बीच हुए पत्राचार को जारी क्यों नहीं किया जा रहा है, ये पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, यदि विदेश मंत्री की मंशा मानवीय आधार पर मिस्टर ललित मोदी को पुर्तगाल के लिए यात्रा दस्तावेज की सुविधा प्रदान कराने की थी, तब उन्होंने मिस्टर ललित मोदी को यह सलाह क्यों नहीं दी कि वह अस्थाई यात्रा दस्तावेज के लिए लंदन में भारतीय उच्चायुक्त के समक्ष आवेदन करें, ताकि वो एक सीमित अवधि के लिए केवल पुर्तगाल जा सके। माननीय विदेश मंत्री ने ऐसा क्यों किया, महसूस किया कि एक भारतीय नागरिक मिस्टर ललित मोदी के पास एक भारतीय यात्रा दस्तावेज होने की बजाय यूके यात्रा दस्तावेज होना चाहिए, आपने क्यों ये सोचा? इंडियन पासपोर्ट, इंडियन वीजा, यहाँ से लेके इंडियन पासपोर्ट लेकर जाने के बजाय आप वहां से यूके का लेके जाना, ये क्यों किया, ये क्यों सोचा, ये दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न ये है, माननीय विदेश मंत्री ने इस बात पर जोर क्यों नहीं दिया कि मिस्टर ललित मोदी को पहले भारत लौटना चाहिए? मैं और एक बार पढ़ता हूँ, माननीय विदेश मंत्री ने इस बात पर जोर क्यों नहीं दिया कि मिस्टर ललित मोदी को पहले भारत लौटना चाहिए और इसी शर्त पर उन्हें मानवीय आधार पर अस्थाई यात्रा दस्तावेज जारी किया जाएगा। चौथा प्रश्न मेरा यह है, जब हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने मिस्टर ललित मोदी को पासपोर्ट रद्द करने का निर्णय बदला, तब सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ अपील नहीं करने का निर्णय किसने लिया? क्या आपने लिया, क्या फाइनेंस डिपार्टमेंट ने लिया, क्या प्राइम मिनिस्टर ने लिया? हमको यह मालूम होना चाहिए, क्योंकि जब आपका हाईकोर्ट में केस फेल हुआ तब आप अपील क्यों नहीं करें, क्यों चुप बैठे? ये चुप्पी में कुछ है गड़बड़, इसीलिए सारी सरकार चुप है, इसीलिए चुप्पी में कुछ है, इसीलिए प्रधानमंत्री चुप है। क्या ईडी जिसकी पहल पर पासपोर्ट को निरस्त किया गया था के साथ इस मामले पर सलाह की गई थी और मिस्टर ललित मोदी को एक नया पासपोर्ट जारी करने का निर्णय किसने लिया? क्या सरकार द्वारा इस मामले पर फाइल में की गई नोटिंग को सार्वजनिक किया जाए? फाइल के ऊपर क्या लिखा है ये सार्वजनिक होने दो, इसीलिए तो आरटीआई हमने दिया था। तो आपने उस नोटिंग में क्या है वो भी नहीं बताए, आपने क्या करस्पॉन्डेंस यूके के साथ किया वो भी नहीं बताए। तो ये मेरा चौथा प्रश्न था। मेरा पांचवा प्रश्न ये है, अब पासपोर्ट यात्रा करने का एक दस्तावेज है, विदेश में रुकने के लिए उस देश की वीजा अथवा परमिट लेने की जरूरत होती है, क्या भारत सरकार द्वारा यूके सरकार के साथ इस आपत्ति को उठाया गया कि मिस्टर ललित मोदी जिसने भारत के प्रवर्तन निर्देशालय के यानी ईडी के सम्मुख पेश होने से मना कर दिया, को लंबे समय तक वीजा अथवा
रेसिडेंसी परमिट कैसे दिया गया, तो ये जो है इसका भी आपको जवाब देना होगा, ये रेसिडेंसी परमिट उसको कैसा दिया। छठा प्रश्न ये है, अभी मिस्टर ललित मोदी के पास भारतीय पासपोर्ट है, वो भारतीय कानून के अनुसार भारत का नागरिक है, चूंकि ईडी द्वारा जारी समन को लागू कराने के लिए एक नया पासपोर्ट जारी किया गया है, सरकार द्वारा इस मामले में क्या कदम उठाए हैं ये भी सदन को बताना होगा, लोगों को भी बताना होगा। मेरा सातवां प्रश्न ये है, मिस्टर ललित मोदी के इस आरोप पर कि यदि वो भारत लौटता है तो उसके जीवन को खतरा है, ये उसने ट्विटर पे और पेपर में भी मैंने पढ़ा, क्या एनडीए सरकार एक भारतीय नागरिक जिसे कि ईडी की जांच में पेश होने की जरूरत है उसकी सुरक्षा आप नहीं कर सकते? नहीं नहीं, अच्छा हम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं, एक 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 जो घोटाले में फंसा हुआ है, जो इकोनॉमिक ऑफेंडर है, जो काला धन लेके गया है, तो भगोड़ा है, उसको अगर आप यहां नहीं ला सकते हैं, बार बार दूसरों की बात करते हैं, तो इसका जवाब आप देना चाहिए। तो इन सात प्रश्नों का और आठ प्रश्न जो मैं भी उठाए हैं उसका जवाब प्राइम मिनिस्टर दे सकते हैं, क्योंकि जो इन्वॉल्व है इस केस में अगर वो उत्तर देंगे उसको हमारा समाधान नहीं होगा और देश को भी मालूम है। और इसके अलावा भी इनका संबंध क्या रिलेशन है इनके दोनों बीच में, फॉरेन मिनिस्टर और ललित मोदी में क्या संपर्क है, क्या उनमें क्या अंडरस्टैंडिंग है, ये भी बताना होगा। क्योंकि अरे सुनो, आपको इसके बारे में जब बताना इसलिए जरूरी है कि आपने इस पहले जो स्टेटमेंट दिए हैं उसके तहत मैं पूछ रहा हूँ, तो वहाँ के एमपी के बारे में भी जो आज हुआ है तो जो कहे हैं वो भी बताना। इसीलिए मैं बार बार ये कह रहा था कि प्राइम मिनिस्टर कान भी बंद कर लिए, आंख भी बंद कर लिए और मुंह भी बंद कर लिए, ये मुश्किल हो गया। अगर ये कहते कि इसके बारे में स्पष्टता देते बाहर और अंदर, आज इतना ये एजिटेशन नहीं होता और आज इतना नहीं चलता था। और दूसरी, अब तो ये इनकी कथा हो गई, और इस अब इन्हें आगे ललित मोदी ने और क्या किया, इनको जो जान आ गई, ललित मोदी को जो जान मिली है वो राजस्थान से मिली, वहां पर जो क्रिकेट एसोसिएशन के जो चेयरमैन बने जिनके लिए वहां पर जगह बना के दिए गए, उसलिए बात कर रहा हूं, व्यक्तिगत उनके खिलाफ नहीं। जो संस्था उनको इतना बड़ा बना दिए 400-500 हजार करोड़ का घोटाला करने के लिए उन्होंने मदद किया, और या इतना ही नहीं, उन ललित मोदी जो इकोनॉमिक ऑफेंडर जो चोरी करके भागा उसको पद्म भूषण देने के लिए भी उन्होंने रिकमेंड किया, पद्म भूषण देने के लिए भी रिकमेंड किया। और दूसरी बात यह है कि एक कंपनी जो ललित मोदी की कंपनी एग्जिस्टेंस में नहीं है मॉरिशस में, उस कंपनी के थ्रू यहां पर अब मैं सदस्य भी यही है, अब मैं कह सकता हूं कि दुष्यंत सिंह जी भी यहां है,
तो उनके एक मिनट करके जी, क्या पॉइंट ऑफ ऑर्डर है उनके कंपनी में? तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर उनके कंपनी में अब तक महोदय रूल नंबर 352 रूल नंबर 352 क्या अ मेंबर व्हाइल स्पीकिंग शैल नॉट रिफर टू एनी मैटर और उसमें सब सेक्शन 3, 3, 4, 5 यूज ऑफेंसिव एक्सप्रेशंस अबाउट द कंडक्ट और प्रोसीडिंग द पार्लियामेंट और एनी स्टेट लेजिस्लेचर रिफ्लेक्ट एनी डिटर्मिनेशन ऑफ द हाउस एक्सेप्ट अ मोशन रिफ्लेक्ट अपॉन द कंडक्ट ऑफ पर्सन इन हाई अथॉरिटी Now, high authority is the chief minister. He is the chief minister of Rajasthan. He is making observation on the chief minister of Rajasthan. Reflect upon conduct of a person in high authority unless discussion based on substance of motion drawn in proper terms. Please, please. Then further, youth. इसीलिए गवर्नमेंट मैं चाहता हूं जो दुष्यंत सिंह की कंपनी 11 करोड़ 63 लाख इसमें जो लगाए गए हैं और ये खुलासा द्वारा उसके सहयोग की जांच में हुआ और ये जो कंपनी जो कंपनी ज्यादा समय अरे मैडम ये इश्यू बड़ा है ये कंपनी जो अस्तित्व में जो काम नहीं कर रही जो डिफॉल्ट कंपनी है उस कंपनी से पैसा मंगा के 10 रुपए का शेयर 96,000 जो बिजनेस नहीं करते जो काम नहीं करते अगर उसको खरीदते हैं अगर अब समय तय करिए ये इम्पोर्टेंट ये एक्सपर्ट मोर देन 1 आवर सर ईडी के यानी इकोनॉमी ईडी के एक सूत्र के मुताबिक ललित मोदी की फर्म आनंद हेरिटेज होटल्स प्राइवेट लिमिटेड को मॉरिसस की अज्ञात कंपनी विल्टन इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के लिमिटेड से मिले 21 करोड़ रुपए की जांच के दौरान ये पता चला कि इस राशि का एक हिस्सा दुष्यंत सिंह की फर्म हेरिटेज होटल्स में प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया नो एलिगेशन नो दिस इज ईडी दिस इज आपने जो विषय दिया है उसी से संदर्भ में बोलिए जो एडजर्नमेंट मोशन व्हाट इज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मैडम आई एम नॉट एलिजिबल व्हाट इज द इकोनॉमिक व्हाट सब लोग बोलोगे ये नहीं है व्हाट इज देखिए इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर जो डिफेंड कंपनियां हैं कोई होटल का काम नहीं करती अस्तित्व में नहीं है 10 रुपए का शेयर अगर 96,000 में बेचा जाता है आप उसको बोलिए क्या कहेंगे ये घोटाला नहीं तो क्या है ये घोटाला नहीं तो क्या है मुझे मालूम है 353 में भी एलिगेशंस नहीं होना चाहिए ये मुझे भी मालूम है मैं दुष्यंत सिंह भी बोलेंगे उनको जो बोलना है क्योंकि प्लीज और इसके लिए फाइनेंस मिनिस्टर जी ने वायलेटिंग ऑल द नॉर्म मैडम स्पीकर ही इज स्पीकिंग वो सभासद के संबंध में कुछ भी आरोप लगा रहे हैं वर्तमान में सदस्य यहाँ उपस्थित नहीं है और ये आपने 3 बार वार्निंग करने के बावजूद
जो सदन के सदस्य नहीं है, जो सदन के सभासद है, विदाउट गिविंग एनी नोटिस, विदाउट एनी एप्रोप्रिएट एविडेंसेस, ये कैसे भी बोलते जा रहे हैं और ये टीवी के द्वारा पूरे देश में जा रहे हैं। और ये लीडर है, आपने मेजर लीडर ओपोजिशन करके उनको चांद दिया, वो अपने प्लीज करके जी, जो अपनी मर्यादा उसी में आप बोलो, एलिगेशंस नहीं लगा, आपने कुछ पहले बोला। अरे मैं एलिगेशन नहीं किया मैडम, व्हाट अरुण जेटली जी सेड, ही हिमसेल्फ सेड ही इज प्रेजेंट, ही सेड द ट्रांजैक्शन बिटवीन ललित मोदी एंड किशन सिंह वाज मियरली अ कमर्शियल ट्रांजैक्शन बिटवीन टू इंडिविजुअल्स, दिस इज द स्टेटमेंट, ही हिमसेल्फ सेड। मैडम, यू कैन टेक दैट मच टाइम। नहीं देखिए, मैं तो ऑलरेडी बना हुआ, सुनिए आप प्लीज बैठिए, आप चीज में नहीं होता, प्लीज कंप्लीट। अरे खत्म, संपो तो चलो, संपा संपा, इसीलिए प्लीज कम बैठिए ना। अब हमारे इस सदन में मैं ज्यादा नहीं बोल, रेस्पेक्ट से कभी भी, क्योंकि उनका डिबेट बहुत सुनता हूं, अरुण जेटली साहब, और अरुण जेटली साहब खुद उन्होंने ये कहा है कि nothing, how can I know, all of you are saying, yahan ke baithe log yahan baithe baithe chilla rahe, aap baithe baithe chilla rahe, I must know what happened, yes, Mr. Kharge, are you completing now or not? Yes, he should apologize, what he said, he has accused, we can't live like this, you can't hit just because the majority, no, it cannot be done. वो माफी मांगना चाहिए, वो माफी मांगे, वो जो कुछ कहा वो माफी मांगे।